हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवलर राकेश खत्री। और आज मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू से थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि हम लोग इतनी जल्दी जो है 5,500 सब्सक्राइबर्स के लेवल पे पहुँच गए हैं। और अगर ऐसा ही आपका प्यार और आपका सहयोग मुझे मिलता रहा तो वेरी सून वी आर गोइंग टू रीच द हायर लेवल्स। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो मेनली ट्रैवल और फन बेस्ड है, लेकिन कोरोना और कोरोना की जो SOP है उसके चलते न तो आउटडोर ट्रैवलिंग हो पा रही है, न कोई ऐसी फन एक्टिविटी हो पा रही है। तो फिर भी मैंने प्रयास किया था कि छोटे छोटे वीडियोज और शॉर्ट्स बनाए जाए जिनमें मैंने कुछ मैजिक ट्रिक्स यूज करे थे, कुछ फन एक्टिविटीज यूज करी थी, और वो जब आप लोगों के पास पहुंचे तो आप लोगों ने बहुत सारे व्यूज और कमेंट्स उसके ऊपर दिए। और उसके बाद पिछले कुछ समय से मैं सोच रहा था कि क्या नया किया जाए जिससे कि आप लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिले। तो मेरे भाई ने फिर मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया दिया, थैंक्स टू भाई, कि उसने बोला कि जो कमेंट्स आप लोगों ने मुझे दिए हैं क्यों ना उन कमेंट्स का ही रिव्यू करा जाए, देखा जाए कि लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शंस मुझे दिए। सो फ्रेंड्स, मैं जितने भी कमेंट्स मेरे वीडियोस पर आए थे उन सबको मैंने थॉरली स्टडी करा और मैंने देखा कि कुछ कैटेगरीज उसमें से निकल के आ रही हैं, जिसमें नंबर एक कैटेगरीज में था कि सपोर्ट, ऐसे कमेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और आगे बढ़ने के लिए मुझे करेज भी दिया। और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट था, हेट कमेंट्स भी थे जिनकी वजह से थोड़ा डिस्करेज भी मैं हुआ। तीसरा, जो आपने देखा होगा कुछ मैजिक ट्रिक्स मैंने डाली थी, तो मैजिक ट्रिक्स के पीछे जो मैजिक था या जो साइंस थी या जो ट्रिक्स थी, मेरे कुछ व्यूअर्स ने उनको भी रिवील करने की कोशिश करी और उन्होंने मुझे भेजा इसके पीछे ये आपने एक्टिविटी करी है। और उसके बाद मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे जिनको मेरी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे रिवॉर्ड्स भी भेजे, तो एक रिवॉर्ड कैटेगरी भी कमेंट्स की मैंने बनाई है। और फिर लास्ट कैटेगरी है सजेशंस की, कि जिसमें आप व्यूअर्स ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए कि कैसे मैं अपने चैनल को ज़्यादा एलाबोरेट कर सकूं। तो ये कैटेगरीज हैं। तो सारे कमेंट्स तो लेने इम्पॉसिबल हैं, लेकिन जो कमेंट्स मुझे अच्छे लगे उनको मैंने इन कैटेगरीज में बांटा है। तो देखते हैं हर कैटेगरी के 4-5 कमेंट्स की हम बात करेंगे, तो लेट्स एंजॉय द कमेंट्स। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सपोर्टिव कमेंट्स से। और जो पहला कमेंट मैं ले रहा हूँ ये है सुशांत खत्री, ये कमेंट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, कीप शेयरिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट विद अस। बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, ऐसे कमेंट्स बहुत इनकरेज करते हैं कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी दोनों को इन्होंने लिया है, तो इन्हें लगता है कि मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें कंसिस्टेंसी भी है और इंटरेस्ट भी उनको आ रहा है। तो थैंक यू सुशांत फॉर योर कमेंट। तो फ्रेंड्स, सेकंड कमेंट है शशि रेखा जी का, और शशि रेखा कमेंट कर रहे हैं, ये जो कमेंट है ये एक्चुअली बेस्ड है, मेरा एक वीडियो आया था जिसमें आपने देखा होगा कि कैंडल्स लगी हुई थी और 1 by 1 एक टर्न से सबको उनको बुझाना था फूक मार करके, तो उसमें कुछ हेट कमेंट्स भी थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। तो मैं सोच रहा था क्या उनको रिप्लाई दूँ, तब तक मैंने देखा कि शशि रेखा ने इसमें कमेंट करा है और उनका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। ओ माई गॉड पीपल, दे मे बी अ जॉइंट फैमिली, अंडरस्टैंड थिंग्स, डोंट ऑलवेज टेक इट इन अ नेगेटिव वे। थैंक्स शशि रेखा चैनल जिनका भी है। तो एक तो ये कि आपने समझ लिया कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दूसरा इसको कोरोना से न जोड़ा जाए, ये तो एक फन एक्टिविटी थी और लंग्स के लिए भी अच्छा है, तो जो इन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, थैंक्स शशि रेखा। और ये जो मेरा थर्ड कमेंट है ये भी सेकंड कमेंट से रिलेटेड है, ये भी वही जो कैंडल वाला हमारा गेम था उससे रिलेटेड है, उसमें भी कुछ लोगों ने हेट कमेंट थे कि ये क्या आप कोरोना फैला रहे हैं, तो उसमें जो है इन्होंने लिखा, बालू सोनी लिख रहे हैं, बालू सोनी कमेंटेड, दिस इज़ नॉट कोरोना स्प्रेड गेम, कैन इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। तो थैंक यू बालू सोनी जी, आपने इसको लंग कैपेसिटी से जोड़ा, गुड एक्सरसाइज फॉर लंग्स, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट भावना बिस जी का है, भावना बिस कमेंटेड, कंग्रेचुलेशंस, सून विल बी 1,000,000। थैंक यू भावना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, अगर आप जैसे व्यूवर्स मेरे साथ होंगे तो डेफिनेटली वेरी सून वी विल बी 1,000,000। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमेंट फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ अप्रिसिएशन, ये YVT गेमिंग लिखते हैं, कीप ट्राइंग ब्रो एंड वन डे यू विल बिकम अ बिग यूट्यूबर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम YVT गेमिंग। थैंक यू ब्रो, आपने सपोर्ट करा, वेल विशेस दिए, तो डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, हार्डर एंड हार्डर, तो हम लोग बहुत जल्दी टॉप लेवल पर पहुँचेंगे, थैंक यू ब्रो। नाउ द सेकेंड कैटेगरी जो कि रिवील्स की है, जो मैंने मैजिक ट्रिक्स कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोज़ डाले थे,
तो उनके पीछे जो क्या रीजन है या कैसे वो ट्रिक की गई है, इसको मेरे कुछ व्यूवर्स ने रिवील करा था, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले श्रीनिवासन सेंथिल कुमार हैं एंड ही कमेंटेड, आई नो दिस ट्रिक, डेट गाय हैड अ बलून इन हिज हैंड, व्हेन यू पुट द क्लोथ यू जस्ट लिफ्टेड द बलून, लोल मैजिक ट्रिक। तो सही है श्रीनिवासन जी, यू आर वेरी क्लोज टू द ट्रिक। हमारे पास एक्चुअल में मेडिसिन बॉल थी तो वही हमने यूज करी थी, और जो उसकी ट्रिक है उसके आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और लास्ट में जो आपने लिखा है लोल मैजिक ट्रिक, इट मींस यू एंजॉयड अलॉट। नेक्स्ट जो कमेंट है वो क्रेजी मोजो का है, और जो यहाँ पर कमेंट है वो उस वीडियो से रिलेटेड है, आपको याद होगा, जिसमें बेड पे एक बच्चा लेटा हुआ है, उसको मैं बेड सीट से कवर कर रहा हूँ और उसके बाद वो अपनी बॉडी या मैं उसको मैजिक से उसकी बॉडी को लिफ्ट करता हूँ हवा में। तो ये लिखते हैं कि क्रेजी मोजो रिप्लाइड, ही इज यूजिंग हिज हैंड्स टू राइज हिज बॉडी कॉज ही सॉरी वी कैन सी हिज फीट बिफोर यू कवर हिम ही टर्न्ड लो। तो बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी कुछ पकड़ लिया है कि जो बॉय था वो टर्न्ड हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्टिल इट इज़ अ मैजिक ट्रिक। तो थैंक यू क्रेजी मोजो जी। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अभी दो तीन बार हमने कट करा क्योंकि क्रेजी मोजो जो है इट राइम्स विथ मोमो, सॉरी सर, एंजॉय इट। और नेक्स्ट रिवील कमेंट है विनोद विनोद कमेंटेड, फुटबॉल मैजिक ब्रो, शॉर्ट में इन्होंने लिखा लेकिन बिल्कुल सही लिखा है, फुटबॉल मैजिक ब्रो इज रिलेटेड विद दैट वीडियो जिसमें कि वो हेड ऑफ होता था, सर निकल जाता था। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, फुटबॉल की जगह मैंने अभी बताया था कि मेडिसिन बॉल हमने यूज करी थी, बट उसका प्रोसीजर क्या था उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड नेक्स्ट रिवील कमेंट इज फ्रॉम शिवा गेमर, एंड शिवा गेमर कमेंटेड, सर यू चेंज टू बैक। तो आपको याद होगा एक मेरा शॉर्ट्स था जिसमें मेरे हाथ पे एक कार्ड था, और जब मैं उसको सेव करता हूँ तो वो कार्ड चेंज हो जाता है, उसका कलर नंबर सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जैसे इन्होंने कहा थोड़ा बहुत या कहना चाहिए काफ़ी कुछ सही है, बट स्टिल उसकी जो प्रोसीजर है स्लो मोशन में आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे डेंजरस कैटेगरी, द हेट कमेंट्स, और जिसने मुझे डिस्करेज भी किया कई जगहों पे, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी लिखे हैं जो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी के कमेंट्स ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं ताकि आप और मैं इसको डिस्कस कर सकें। और पिछले कमेंट्स में मैंने सेंडर्स के या व्यूवर्स के जो है नाम भी मैंने लिखे थे, लेकिन क्योंकि हेट कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उन लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जैसे हम सब लोगों की डिग्निटी है उनकी भी डिग्निटी है, तो उनकी डिग्निटी को ऑनर करते हुए सिर्फ कमेंट्स ओनली। तो पहला कमेंट है, इट्स नॉट मैजिक इट्स ड्यू, ये लिखते हैं कि आप जो है धोखा दे रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। तो डियर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो असली जादू या अगली तिलिस्म में या अगली असली जो मैजिक होता है वो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, रियल में जो आप देखते हैं वो सब ट्रिक्स होती हैं, और चीज़ें जो आपकी नज़रों से पहले बदल जाएं वही मैजिक है। अगले कमेंट में इन्होंने बहुत सारे फेसेस बनाए हैं, रेड येलो और पिंक कलर के, और बहुत सारा गुस्सा इन्होंने दिखाया है, बट मेरी समझ में नहीं आया कि इतना गुस्सा आखिर क्यों। अगर कुछ जानना है तो सर प्लीज़ कमेंट मी कि आपको क्या जानना है, या कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है तो लिखिए, बट इतना गुस्सा मत दिखाइए क्योंकि हमारा चैनल प्यार के लिए, गुस्से के लिए। और अगला जो कमेंट है वो वही कैंडल वाले उस पर है, और इन्होंने लिखा है, नाउ वी नो हाउ कोरोना स्प्रेड्स। तो इन्होंने कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है, लेकिन डियर आप जानते हैं इट वॉज जस्ट अ गेम, और मैं क्या कहूँ, मेरे व्यूवर्स ने जैसे कि मैंने फर्स्ट सेक्शन में मैंने बोला था लोगों के नाम, उन्होंने खुद ही आपको रिप्लाई दे दिया है। नेक्स्ट एक और कमेंट है, दिस इज़ फेक, और ये जो कमेंट है ये हेड्स ऑफ वाले वीडियो पर है जिसमें बच्चे का हेड जो है निकाल दिया जाता है, तो इट्स फेक डियर, इट्स फेक ही होगा। अगर असली में मैं गर्दन निकाल दूंगा तो आई विल गो बिहाइंड द बार्स, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा काम मत करवाओ मेरे से। नेक्स्ट कमेंट है, यू आर शोइंग द कार्ड अदर साइड, डोंट ट्राई टू चीट एनीवन। फिर इन्होंने बहुत सारे नमस्ते 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 करें, और फिर लिखा है, इफ़ यू हैव गट्स देन यू डू रियल मैजिक एंड प्रूव दैट्स इट्स रियल। तो सर जो मैजिक होता है वो तो ऐसे ही होता है, ये सब आँखों का एक नज़र का धोखा तो होता ही है। अब असली मैजिक के लिए तो जिनी को लाना पड़ेगा, चिराग घिसके तभी कुछ हो पाएगा, बाकी तो सारे कितने ही बड़ा मैजिशियन हो सब फेक ही होते हैं। नाउ द कैटेगरी ऑफ रिवॉर्ड्स, और इसमें जो पहला नाम है वो है ड्रेडलॉक समलॉक का, और इन्होंने जो है लिखा है कि
द ट्रैवलर राकेश खत्री गुड बॉय। असल में ये थोड़ा लंबा कन्वर्जेशन है, लास्ट लाइन है जो कोरोना वाला, जिसमें कोरोना के रिलेटेड ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, जिस वीडियो में कैंडल बुझाने वाला था उसमें ये हुआ था कि भाई एक ने, इन्होंने लिखा था पहले कि भाई आपने इसको क्लीन भी करना है, अभी कभी कैंडल की वजह से बहुत गंदगी हो रही थी। तो मैंने बोला था कि एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज नाउ और सब क्लीन कर लिया है, नीटनेस और टाइटीनेस सब मेंटेन कर ली गई है। तो लास्ट में उन्होंने लिखा कि द ट्रैवलर राकेश खत्री गुड बॉय, हेयर स्वीट कैंडी फॉर यू, इंजॉय। और उन्होंने कैंडीज भी भेजी थी। तो थैंक यू ड्रेडलॉक्स एमलॉक, थैंक यू वेरी मच। एक और रिवॉर्ड कमेंट ने मेरे हार्ट को टच करा है, और इसमें जो वीडियो है वो है आपका गेमिंग वीडियो जिसमें कैंडल्स बुझानी होती हैं, और उसमें हमारी माताजी ने भी ट्राई करा था। तो इन्होंने लिखा है लव यू अम्मा, तो थैंक यू फ्रॉम अवर ऑल फैमिली, लव यू पेरुमा लैम, लव यू पेरुमा लैम, लव यू। नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ सजेशंस, तो पहला जो इसमें कमेंट है ये वासु अय्यर जी की तरफ से है, और ये लिखते हैं प्लीज़ ये कैंडल या दिया को माउथ से ऑफ करना हमारा कल्चर नहीं है, दो इट इज़ गेम इट्स स्टिल इट इज़ नॉट गुड। तो वासु जी, मैंने तो ये एज अ गेम ही डिज़ाइन किया था और इसीलिए वीडियो प्रिपेयर किया था, लेकिन किसी की फीलिंग्स कहीं से कहीं भी हर्ट होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे, आपने सजेस्ट किया है इस पर ज़रूर मैं अमल करूँगा। नेक्स्ट कमेंट है मुकेश बी का, एंड मुकेश बी कमेंटेड यू नीड प्रैक्टिस ब्रो, डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू, थोड़ी प्रैक्टिस अभी चाहिए क्योंकि मैं मैजिशियन नहीं हूँ, एक मैजिशियंस के मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश करी है तो अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट सजेसिव कमेंट फ्रॉम अय्यप्पन एम, और ये लिखते हैं हेड हेयर विजिबल डू वेल नेक्स्ट टाइम, ये भी हेड्स ऑफ वाले वीडियो पर है, तो होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, आपने नोट करा, वेरी गुड, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे पूरी चीज़ें कवर हो, थैंक यू। नेक्स्ट सजेशन फ्रॉम लक्षण वी आर, और ये लिखते हैं ट्राई मोर बेटर देन यू विल विन, दोनों कमेंट हैं आपके, थैंक यू फॉर सजेशन एंड थैंक यू फॉर वेल विशेस, बोथ द कमेंट्स आर देयर। लक्षण वी आर डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल सी समथिंग बेटर। और आज का लास्ट सजेशन और लास्ट कमेंट है थरुण विग्नेश की तरफ से, एंड थरुण विग्नेश लिख रहे हैं ओल्ड ट्रिक ट्राई समथिंग न्यू, ये मेरा चीक पियर्सिंग वाला वीडियो था, और होता है कई बार बहुत सारे वीडियोस रिपीट भी होते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ कहीं ना कहीं से पिकअप किए जाते हैं, फिर उसको चेंज करके कुछ ना कुछ नया किया जाता है, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम विल ट्राई समथिंग बेटर, बहुत इनोवेटिव होने की ज़रूरत है और हम होंगे इनोवेटिव फॉर यू पीपल ओनली। तो आज के लिए इतना ही था कमेंट्स का रिव्यू, और कैसा आप लोगों को लगा, कुछ इन्जॉयमेंट लगा या नहीं लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स।